कल्याण और सुराज के 20 स्वर्णिम वर्ष। मध्य प्रदेश शासन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षित गुड गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए कई उन्नत प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के इन प्रयासों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संकल्पित सुशासन की संकल्पना को और भी सशक्त किया जा रहा है। इसी क्रम में आज लोक सेवा प्रबंधन विभाग के साथ साथ नगरीय विकास एवं आवास, ऊर्जा, उद्यानिकी, योजना आर्थिकी एवं सांख्यिकी, सामान्य प्रशासन एवं गृह विभागों की सेवाओं को ऑनलाइन किया जाकर अधिक सुगम और पारदर्शी बनाया गया है, जिनका शुभारंभ आज किया जा रहा है। नागरिकों की सुविधा को देखते हुए राज्य शासन द्वारा सीहोर जिले में 2 नवीन उप लोक सेवा केंद्र शाहगंज एवं गोपालपुर में प्रारंभ किए जा रहे हैं। साथ ही जिला रायसेन में 6 नवीन उप लोक सेवा केंद्र सांची, देवनगर, सुल्तानगंज, बमोरी, बारकच्छ एवं मंडीदीप में प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा न्यायालयीन सेवाओं को आम नागरिकों के लिए लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके तहत प्रदेश के नागरिक न्यायिक आदेश की सत्यापित प्रति, नवीन प्रकरण दर्ज किया जाना, प्रकरण की स्थिति की जानकारी, संबंधित शुल्क का भुगतान जैसी न्यायालयीन सेवाएं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब लोक सेवा केंद्रों से प्रदाय की जाने वाली सेवाओं के लिए जारी प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज स्पीड पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को घर बैठे उपलब्ध होंगे। इस नई ऑनलाइन सुविधा से अब भूमि उपयोग का प्रमाण पत्र पाना आसान होगा। इस प्रणाली की सहायता से नागरिकों को वैध विवरण वाले क्षेत्र का भूमि उपयोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। विद्युत ठेकेदारों को ऑनलाइन लाइसेंस की सुविधा इस प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। इच्छुक आवेदक MPE सर्विस पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस आवेदन एवं शुल्क ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। MP स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अधिकृत विक्रेताओं को क्रय आदेश जारी करने, संबंधित कार्यालय द्वारा सामग्री प्राप्त करने एवं संबंधित क्रय का भुगतान किए जाने आदि कार्यों का ऑनलाइन क्रियान्वयन ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। MLA LDS पोर्टल के माध्यम से माननीय विधायकों द्वारा विधायक निधि से किए जाने वाले विकास कार्यों की संपूर्ण मॉनिटरिंग की जा सकेगी। साथ ही नागरिक अपने विधानसभा क्षेत्र सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की प्रगति भी देख सकेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों द्वारा मध्य प्रदेश शासन के कार्यालयों से वांछित सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा अभिनव पहल करते हुए RTI पोर्टल प्रारंभ किया जा रहा है। इस नवीन प्रणाली से शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध होने वाली सभी विभागीय जांच अब और भी प्रभावी एवं पारदर्शी होंगी। पोर्टल के माध्यम से अब हर जांच का ऑनलाइन निराकरण संभव होगा। भैया, यहाँ पर एक बाइक खड़ी थी ना, देखी क्या आपने? गई बाइक। अरे ऐसा मत बोलो भैया, पापा ने बड़ी मुश्किल से दिलाई थी, अब क्या होगा।
भैया यहाँ मेरा बैग था। पता नहीं मैम, उसमें मेरा पासपोर्ट, लैपटॉप और मार्कशीट भी थी। क्या हुआ, चोरी हो गई? चोरी किसी अनजान इंसान ने की? आपको इस घटना में कुछ चोट तो नहीं पहुंची? वाहन 15 लाख से कम कीमत का था, सामान्य चोरी 1 लाख से कम थी। तो चिंता मत कीजिए, आपको पुलिस थाने नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि थाना आपके फोन में आ जाएगा। अपना फोन निकालिए। ये FIR करने के लिए citizen.mppolice.gov.in, मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट mppolice.gov.in या MP ECOP मोबाइल ऐप पर अपनी रजिस्टर्ड ID से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही आपको EFIR का आइकन दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले FIR की कंडीशन को उल्लेखित करते हुए एक क्वेश्चन दिखाई देगा। सही विकल्प चुनने के उपरांत ही EFIR का आवेदन ओपन हो जाएगा, जिसे आपको भरना होगा। इसे जमा करने के पूर्व आपको इसे आधार कार्ड के माध्यम से डिजिटल साइन इन करना होगा। जैसे ही आप इसे जमा करेंगे, यह संबंधित थाने में चला जाएगा और आपके मोबाइल पर तुरंत एक मैसेज आ जाएगा। जैसे ही आप EFIR सबमिट करते हैं, वह FIR संबंधित थाने के थाना प्रभारी के पास पहुंच जाती है, जो वेरीफाई करके तुरंत कार्रवाई शुरू कर देते हैं। 12 अगस्त 2021 को EFIR का ट्रायल रन पूरे मध्य प्रदेश में आरंभ किया गया। ट्रायल रन के दौरान पूरे प्रदेश से 431 मामले EFIR के माध्यम से दर्ज हुए हैं। तो आइए आपको अवगत कराते हैं हमारे होशंगाबाद और सतना के प्रसन्न फरियादी से। मैं मजदूर वर्ग से हूँ। एक पैसे जोड़ के मैंने बाइक खरीदी हुई थी, तो मेरी बाइक चोरी होने के कारण मैंने दुकान से ऑनलाइन रिपोर्ट करवाई। उसमें थाने से मुझे 2 दिन में मेरी बाइक मिल गई। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ऑनलाइन FIR करें तो उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई होती है। 3 जुलाई को मेरी चोरी हुई थी। मैं अपने मोबाइल के माध्यम से रिपोर्ट लिखाया गया, मुझे थाना नहीं जाना पड़ा, इसलिए कि मेरा पूरी कार्रवाई हो गई, मेरा सामान मिल गया मुझे। थाना सिविल लाइन जिला सतना में EFIR के माध्यम से अपराध का पंजीयन किया गया था। केवल 3 दिवस में ही आरोपी माल मशरूका के साथ गिरफ्तार किया गया। चोरी गया सामान चांदी की चूड़ी एवं चावल की बोरियां पुलिस द्वारा तत्काल रिकवर की गई। फरियादी की प्रसन्नता का कारण घर बैठे EFIR है, इसका समाज में बहुत अच्छा संदेश गया है और सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। EFIR जनसेवा में नई पहल, मध्य प्रदेश सरकार की पहल, समाधान त्वरित, सेवा सरल।